हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। ओके, अभी हमने प्रीवियस सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और ये एक नया चैप्टर है। तो कैश बुक क्या होती है? कैश बुक देखिए, द बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। वो बुक मतलब वो अकाउंट आप बनाते हो जिसमें आप कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो जो कि कैश से रिलेटेड हो। इट मींस कैश रिसीट, आप कुछ भी चीज सोल्ड कर रहे हो कैश में, या फिर आपने कुछ भी चीज परचेज करी है जिसका आपने कैश में पेमेंट करा है, तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम किस में करेंगे? कैश बुक में। ओके, ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू रिसीट एंड पेमेंट आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक। और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं लाइक चेक से, उसको भी हम इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये है आपकी कैश बुक। अब देखिए, सबसे पहले हम कैश बुक का फॉर्मेट समझ लेते हैं। ओके, कैश बुक के फॉर्मेट में क्या दे रखा होता है आपको? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, LF और अमाउंट। ये तो हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में डेट, अगेन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ओके, इधर हम लिखेंगे जो भी रिसीट आएंगी और इधर हम लिखेंगे जो भी पेमेंट। अभी हमने पढ़ा था कैश बुक मतलब कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर आप कैश का पेमेंट कर रहे हो तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। सिंपल। तो चलिए फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? सिंगल कॉलम का। तो आप ईयर लिख दीजिए, आपको जो ईयर गिवन है, ठीक है। उसके बाद मार्च मंथ के आपको ट्रांजेक्शन बता रखे हैं। तो फर्स्ट मार्च को आपको बता रखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस को क्या करा? स्टार्ट करा। आपने बिजनेस को स्टार्ट करा, अगर आप जर्नल एंट्री देखो तो क्या होती है जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक टाइप से आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और हमारे बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने कहा था जहां पैसा आएगा वहां पे डेबिट, जहां पैसा जा रहा होगा वो चीज क्रेडिट। कितना अमाउंट? 20,000। ओके, ये है आपकी मार्च फर्स्ट की एंट्री। ओके, टू, बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे, भाई गुड्स खरीदे, पैसा जा रहा है। पैसा जब जाता है तो कहां लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड। ये ट्रांजेक्शन कब हुआ? मार्च टू को। जब आपने क्या खरीदे? गुड्स खरीदे, ठीक है। तो आपने गुड्स खरीदे तो उसकी वजह से जा रहा है, तो हम गुड्स तो लिखते नहीं है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम क्या लिखते हैं? परचेजेस। और अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जब आप गुड्स बेच रहे हो तो आपको कैश मिलेगा, ठीक है। कैश मिल रहा है किसकी वजह से? हमने क्या करी? सेल्स करी। और अगर आप जनरल एंट्री देखो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कब करी थी हमने एंट्री? 5 मार्च को। कितना अमाउंट? 4,000। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अभी हमने पढ़ा था कि कैश बुक में सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को करते हैं, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन हम इसमें नोट डाउन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज पेड टू रवि। मार्च 13 को आप रवि को क्या कर रहे हो? पेमेंट। तो रवि की वजह से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। किसकी वजह से? रवि की वजह से। एंट्री भी देखो तो रवि टू कैश 7,000। नेक्स्ट वन इज कैश सेल्स। अगेन आपने सेल करी है 15 तारीख को तो आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड। और जनरल एंट्री देखो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आपको जनरल एंट्री भी आती हो तो भी आप इजिली कर सकते हो, नहीं तो पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। सिंपल। नेक्स्ट वन इज परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। आपने क्या खरीदा है? फर्नीचर। फर्नीचर खरीदोगे तो भाई पैसा जाएगा। किसकी वजह से जा रहा है? फर्नीचर की वजह से। अमाउंट कितना है? 6,000। अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो फर्नीचर टू कैश। नेक्स्ट वन इज पेड वेजेस। आप वेजेस पे कर रहे हो तब भी पैसा जाएगा, तो बाय वेजेस अमाउंट 380 रुपीज। नेक्स्ट वन इज पेड रेंट। रेंट पे कर रहे हो तो भी पैसे जाएंगे, बाय रेंट अमाउंट कितना आ जाएगा? 6,000 रुपीज।
सॉरी रेंट में है 400 रुपीज। नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड कमीशन। कमीशन से पैसा हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, मतलब मिला है। तो टू कमीशन कितने रुपए मिले हैं हमें, 600। ओके नेक्स्ट वन इज विथड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। आपने बिजनेस में से पैसे निकाले हैं, पैसे निकाल रहे हो तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। किसकी वजह से, पर्सनल यूज, इट मीन्स ड्रॉइंग्स। किस डेट को हुआ है ट्रांजेक्शन, ये हुआ है 28th को। ओके अमाउंट आ जाएगा आपका 1000 रुपीज। लास्ट वन इज पेड सैलरी। सैलरी पे करे हो तो भी पैसा जा रहा है, तो बाय सैलरी। अगेन मैं एक और बार बोलती हूँ, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड और पैसा आता है तो डेबिट साइड, और आप जर्नल एंट्री से भी कर सकते हो। ओके अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी टोटल रिसीट कितनी हुई, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी टोटल पेमेंट्स। टोटल रिसीट हुई हमारी 32,600 की, और यहाँ पर टोटल पेमेंट हुई हमारी 20,680 की। अगर आप देखो तो बैलेंस यहाँ पर बच रहा है, हम डेट के एंड में यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, मंथ के एंड में। ओके तो कितना आ गया, आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 11,920 रुपीज। ये हो गई आपकी बैलेंस सीडी। ओके तो ये जो बैलेंस सीडी हो गई आपकी 31st को, अब हम इक्वल अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ पे भी 32,600 आ जाएगा और यहाँ पे भी 32,600। ये जो बैलेंस सीडी है ये 1 अप्रैल को क्या बन जाएगी, बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी करके हम लिख देंगे 11,920। ओके तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं क्लास 11th का फुल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।